मोबाइल का कितना भी सीरीज आ जाए हमारा एक्साइटमेंट खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। रेडमी ने भी नोट 10 का अपना सीरीज लॉन्च कर दिया है। मैं इस फोन के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, बिकॉज इतने कम दाम में इतने ज्यादा फ्यूचर, दैट्स क्वाइट गुड। यहाँ मैं स्टोरेज और रैम के बारे में बात करूँ तो तीनों फोन में दो वेरिएशन है। रेडमी नोट 10 में 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाता है, और दूसरा जो फोन है उसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मिल जाता है। वहीं पर Redmi Note 10 Pro में 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज मिल जाता है, और जो सेकंड फोन है उसमें 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाता है। और Redmi Note 10 Pro Max में 6 GB रैम एक फोन में है और एक फोन में 8 GB रैम है, और स्टोरेज दोनों में सेम है 128 GB। Redmi Note 10, Note 10 Pro और Note 10 Pro Max इस बार तीनों में सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल जाते हैं, दैट्स गुड। अब हमें कोई शिकायत नहीं है Redmi से, जिसके साथ ही Note 10 में 60Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है। वहीं पर Pro और Pro Max में 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। स्क्रीन की बात करें तो Redmi Note 10 में 6.43 इंचेस का स्क्रीन मिल जाता है, वहीं पर Pro और Pro Max में आपको 6.67 इंच का स्क्रीन मिल जाता है। स्नैपड्रैगन की बात करें तो Redmi Note 10 में आपको स्नैपड्रैगन 678 है, वहीं पर Pro और Pro Max में आपको स्नैपड्रैगन 732G मिल जाता है, दैट्स गुड। यहाँ पर कैमरे में तगड़ी इंप्रूवमेंट की गई है। Redmi Note 10 का जो कैमरा है वो है 48+8+2+2 मेगापिक्सल, एंड इसके साथ सेल्फी इसका कैमरा है 13 मेगापिक्सल। वहीं पर Redmi Note 10 Pro में 64+8+5+2 मेगापिक्सल मिल जाता है, उसके साथ ही आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यही मैं बात करूं Redmi Note 10 Pro Max की तो इसमें आपको 108+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जो कि इतने कम प्राइस में ये तगड़ी इंप्रूवमेंट है, जो कि मैं पहले भी बोला कि कैमरे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई है। उसके साथ ही इसका सेल्फी कैमरा सेम है 16 मेगापिक्सल। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो Redmi Note 10 में आपको प्लास्टिक बिल्ड मिल जाता है, और Pro और Pro Max में आपको ग्लास बॉडी मिल जाता है। यहीं पर स्पीकर के मामले में कोई वेरिएशन नहीं है, तीनों के तीनों में आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं बिल्कुल हाई बेस के साथ, दैट इज क्वाइट ऑसम। वहीं पर हम बैटरी की बात करें तो आपको Note 10 में 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, उसके साथ ही Pro और Pro Max में आपको 5020mAh की बैटरी मिल जाती है। 20mAh से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तीनों में ही ये सेम दे देना चाहिए था, पर आई डोंट नो व्हाई। लेकिन चार्जिंग में कोई वेरिएशन नहीं, आपको तीनों के तीनों में 30 वाट का चार्जर मिल जाता है। और यहाँ पर सबसे जो परफेक्ट चीज है कि आपको तीनों के तीनों में एंड्रॉयड 11 मिल जाता है, जो कि बहुत मजे वाली बात है। एंड द लास्ट बात कर लेते हैं प्राइस की, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैं पहले ही बोला कि प्राइस के हिसाब से फीचर के मामले में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर Redmi Note 10 की प्राइस है अप्रोक्स 12,000, Redmi Note 10 Pro की प्राइस अप्रोक्स 16,000, वहीं पर Redmi Note 10 Pro Max की प्राइस जो है वो है 19,000। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इन तीनों फोन में 5G नहीं है, जो कि मुझे ये बहुत कमी चीज लगी, अब तो दे देना चाहिए था। लेकिन बाकी इसके फीचर जो दिए गए हैं बिल्कुल परफेक्ट है। प्राइस और फीचर को कंपेयर करें तो ये मोबाइल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। और हमारा वीडियो अभी तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।